एनकाउंटर न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज चैनल और लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक लोगों ने श्रद्धापूर्वक से मनाते हुए नकोदर चौक में बाबा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पण किए। भाजपा नेता महेंद्र भगत ने इस पवित्र दिवस पर डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को पुष्प अर्पण किए और उन्होंने समाज को अपील करते हुए कहा कि हमें इनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। इस मौके पर भाजपा नेता अश्विनी अटवाल, भाजपा नेता कमल चौधरी, भाजपा नेता राकेश काला प्रधान, संजीव अटवाल, गौरव जोशी, राजेश पट्टी, अजय भील, विक्की कलव्य, अरुण, अनुज, राहुल, बबल सोहोता, पवन कश्यप व अन्य शामिल थे। भारत माता की, भारत माता की। आज साढ़े सारे वास्ते बहुत ही खुशी की गल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्मदिन के उपर असी अज अंबेडकर चौंक के सारे ही साथी समूह कट्ठे होकर उन्होंने श्रद्धा सुमन भेट कर लिए आए हाँ। ये साढ़े वास्ते बड़ी ही फख्र की गल है। अज असी संविधान के रचेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान का साड़ा हिंदुस्तान का, मैं कह सकता दुनिया का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड रिटन बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने सानू एक इतना अच्छा संविधान दिता है। इस दे तहत दलित समाज का, खास करके जो दलित समाज कई सदियों तो पीड़ित सी, उत्थान भलाई लई इस संविधान के उन्होंने राखवा रखिया, रिजर्वेशन रखी 25% दलित समाज लई, बाकियों के बराबर आन वास्ते चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई नौकरी है, चाहे पोलिटिकल स्टेटस है, वो भी सबनों स्थान दिता है। सो साडे वास्ते बड़ी फख्र की गल है। असी उस पैरोकार दे वसिंदे हाँ, उस बंदे जिन्हां दी पूजा करते हाँ असी सारी दुनिया के। मैं कह सकना कि अज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मुकाबले कोई भी इतना काबिल इंसान दुनिया से कोई पैदा नहीं होया। इस करके उन्होंने कोलंबो यूनीवर्सिटी के सिंबल ऑफ नॉलेज किया गया सी। सो दुनिया का अगर किसी सब तो ज़्यादा ज्ञान सी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान सी। सो मैं सारे ही मेरे नाल जो चल के आए ने, मेरे वीर अश्विनी अटवाल जी, काला प्रधान जी, कमल जी, जोशी जी और मेरे नाल बीजेपी सारे साथी, विक्की एकलव्या जी, मेरे वीर राणा जी और नाल साडे पवन जी, सारे साथी जो चल के संजीव अटवाल जी आए ने, असी सारे अज श्रद्धा सुमन भेट करके जिते जा रहे हैं। नाल मैं बेनती करांगा अपने समाज नूं, आओ यूनाइट, एजुकेट एंड स्ट्रगल। सानू सब तो पहले कट्ठियां भी होना पेगा और एजुकेटेड भी होना पेगा, सिक्ख्या हासिल करनी पेगी, नाल संघर्ष करना पेगा अपने हकों की राखी करने वास्ते। और सानू इस गल की खुशी है कि NDA सरकार ने अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत रत्न का खिताब दिता है तो वह NDA सरकार ने दिता है। ये सानू इस गल का भी फख्र है, असं उन्हें धन्यवादी हाँ, क्योंकि अज तक उन्होंने असी मांग करते रहे कि उन्होंने भारत रत्न का अवार्ड दिता जाए, पर किसी ने उन्होंने भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिता। सो NDA सरकार ने डॉक्टर साहब न उन्हों की काबिलियत देखते हुए भारत रत्न का खिताब दिता है। सो असी सरकार भी धन्यवादी हाँ। नाल मैं आस करदा असी इदा ही उन्होंने दसे हुए रस्ते पर चलते हुए, उन्होंने जो सानू सिक्ख्यावान दतिया वो पर चलते हुए अपने जीवन में कामयाब करिए और बाकी दलित समाज लैके वो उत्थान का भी प्रयास सानू हमेशा करते रहना चाहिए है। एक बार फिर सारे साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और मैं एक बार उन्होंने जन्मदिन के उपर उन्होंने चरणा श्रद्धा समर्पण भेंट करना और आस करना असं इदा आने वाले समय से इदा इकट्ठे होकर सिखता सबूत देवे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जिंदाबाद, जय भारत, जय भीम। मैं अश्विनी अटवाल, बाबा साहब विश्व रतन वंशदानी भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 128वें जन्म दिहाड़े ते सारे भारतवासियों पूरे वर्ल्ड च बैठे हिंदुस्तानियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म की लख लख वधाइयां दिंदा वा। जन्मदिन दियां सारे देशवासियों यही संदेश दिंदा वा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जी ने एक संदेश दिता सी, पढ़ो लिखो संघर्ष करो। अगर आप पढ़ा लिखांगे तो तद ही इस देश विच बैठे जेड़े दलित समाज के खिलाफ बोलते उन्होंने संघर्ष कर सकते हैं। अगर आप पढ़ा लिखांगे नहीं तो आप इन्होंने संघर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हों लोगों को पैसा भी इन्ना वा, सहूलत भी इन वा, साडे दलित समाज को इदा दहूलत है नहीं। अगर आप पढ़े लिखांगे नहीं तो इदा आप अगे नहीं बढ़ सकते।
बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने यह संदेश दिता सी आप उन्होंने पद चिन्ह से चल के अगे वधांगे जय भीम जय भारत। दलित समाज वास्ते एक बहुत ही खुशियां भरिया दिन है कि अज बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का संविधान रचता उन्हों का जो जन्मदिन है अज आप सारे लोग बड़े ही खुशियां और उत्साह के नाल मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन जड़ा है साडे दलित समाज वास्ते और सारी ही मानवता दे लई उन्होंने समुची मानवता दे लई एक बहुत ही समाज भलाई का काम करके सारे ही धर्मां नूं सारे ही लोगों एक माला दे विच परोण दा जो बीड़ा उठाया सी अज जो सही हुंदा सानू देख रहा है क्योंकि हर समाज हर धर्म दे लोग बाबा साहब अंबेडकर जी नूं पसंद करते ने और उन्हां दे कहे हुए रस्ते उत्ते चलते ने। मैं आए हुए सारे ही वीरां नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा हाँ और बाबा साहब जी के जन्मदिन के उत्ते आप एक अच्छा प्रण लईए और अच्छे कामों के और अपने समाज में अच्छे अगे वधाउण दे लई आपां जिहड़ा है और रल मिल के सारा ही सहयोग के नाल काम करिए। इन्हां शब्दों के नाल मैं सारे ही आए हुए बंदियां लोगों का धन्यवाद करता हाँ। जय भीम जय भारत। निर्माता उत नारी दे रक्षक और हर वर्ग के उन्होंने हकों के रखवाले बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी को शाशत नमन करते हैं। अज उन्हों का पावन जरा जन्म दिवस है वो संबंध में असी भीम सेना वालों महला नीला महल वालों सारे मुंडे यूथ अज एक चेतना रैली लेके आए हैं और बाबा जी को नमन करना आए हैं। अज बाबा जी के जन्म दिवस से असी पूरे भारतवर्ष में लख लख बधाई दिने उत्ते समाज में अते युवा वर्ग में बेनती करते हैं कि बाबा जी के बधाए मार्ग से चलीए कि आप दलित समाज में आप होर उपर उपर लैके जा सकी। जय भीम जय भारत। जय भारत पूरे ही देश नूं। अज असी बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इत्थे इकट्ठे होए हैं तो पूरे समाज में साडा यह संदेश है कि बाबा साहब ने जो कहा सी पढ़ो जुड़ो तो संघर्ष करो सानू उन्हां दे इस सिद्धांत नूं मानदे होए अपने जीवन नूं समर्पित करते हुए पढ़ना जुड़ना और संघर्ष करना चाहिए है। यही उन्हां दा संदेश है। इस संदेश नूं लैके वादस वाल्मीकि धर्म समाज मैदान विच है और काम करने लई तैयार है तैयार बरत है। जय भीम जय भारत। माय नेम इज समर राजू क्लास फर्स्ट आई एम रोल प्लेइंग ऑफ भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पहले हम देश की आज़ादी के लिए लड़े थे अब हम अनपढ़ता के लिए लड़ेंगे। कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है। यह संविधान मैंने इसी कलम से लिखा है इसलिए एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ पढ़ा जुड़ो संघर्ष करो। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर बाबा साहब जी हमारे लिए लड़े हैं। जय जय भीम। थैंक यू। एनकाउंटर जलंधर से।